हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं माधवी रश्मि और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ब्लैक डाई मेहंदी कैसे बना सकते हैं, वो भी घर पर। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, हमें ब्लैक मेहंदी को बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी एक हेयर डाई की। नॉर्मली आपने इसकी ऐड देखी होगी, आपके घर पर यूज़ भी होती होगी। तो फ्रेंड्स, ये है हेयर डाई, पर मैं फिर भी बोलूँगी इसको इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने हाथ में ज़रूर, अपने हाथ के बैक साइड में जरूर एक बार टच करके देख लीजिए कहीं आपको एलर्जी तो नहीं हो रही। तो फ्रेंड्स, इसको काटने के बाद हम देखेंगे कि इसमें दो तरीके के शैशे हैं, जो क्रीमी फॉर्म में हैं और मतलब काफ़ी एक लिक्विड सा है और एक थोड़ा सा थिक सा है। तो देखेंगे हम इसको कटिंग करके, और क्योंकि हमें इसे मिलाना है तो चलिए काटते हैं हम इसको। फ्रेंड्स, मैं फिर भी बोलूँगी कि एक बार आप लोग प्लीज़ एक बार ट्राई करके जरूर देख लीजिए, क्योंकि ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना होने पाए। तो बेस्ट रहेगा कि एक बार ट्राई कर लीजिए, देखेंगे आपकी एक, देखिए थोड़ा सा थिक है, थोड़ा सा क्रीम कलर का है और ये बिल्कुल वाइट कलर का है, थोड़ा सा लिक्विड है। ये इन दोनों को हमें मिक्स करना है। ये जो हेयर डाई है मेरे पास, ये पाउडर में भी आती है, तो अगर आप चाहें तो पाउडर वाली को भी आप इसको छान के, पाउडर वाली को इसको छान के, बहुत थोड़ी सी होती है वो, उसके बाद उसको आप 2-3 चम्मच से पानी से उसको बहुत अच्छे से मिला लीजिए, उसको कोने फिल कर लीजिए, बिल्कुल रेडी हो जाएगी। उसमें भी कुछ ऐसा फालतू सा नहीं करना पड़ता। देखिए आप इसको, मैं इसको घोलूँगी तो जब इसको मिलाऊँगी, सॉरी मिक्स करूँगी तो देखेंगे आपकी ये जो कलर है वो हल्का सा ब्लैक ब्लैक सा होने लगेगा। और देखिए बिल्कुल कलर ब्लैक हो चुका है। हम इसको कोन में डाल देंगे और आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में काफ़ी ब्लैक ब्लैक सा हो गया है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप ग्लव्स वगैरह यूज़ कर लीजिए। मैंने नहीं किए, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे तो बताना था। आप ग्लव्स यूज़ कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए ये बिल्कुल मैंने लगा लिए हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात और बताना चाहूँगी कि ये मेहंदी को आप बना लीजिए, अच्छा है, मैंने इससे बताया है आपको, पर फिर भी मैं ये कहूँगी कि इतना झाड़ क्यों करना है। जाइए आराम से 10 रुपीज़ की मार्केट से कोन खरीद के लाइए, ज़्यादा 15 रुपीज़ की मिलेगी, आप कोन मार्केट से खरीद के लाइए, उसे यूज़ करिए। ये थोड़ा सा उससे कॉस्टली पड़ जाता है, जैसे आपकी मर्जी है। मुझे बताना था कि ब्लैक डाई मेहंदी कैसे बनती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, ये है आफ्टर वॉश, आप देख सकते हैं ये डार्क अच्छी है। ये मेहंदी एक बार फिर बताऊँगी मैं आपको कि ये मेहंदी 1-2 दिन रखने के बाद बेकार हो जाती है, तो इसलिए ये आपकी मर्जी। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताना था कि ब्लैक डाई मेहंदी कैसे बनती है, देख रहे होंगे मेरे हाथ बिल्कुल ब्लैक ब्लैक से, काफ़ी डेंजरस लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय।